गुड़िया बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जा, तेरी चाची भी आ रही है आज। सिर्फ उन्हें ही बुलाया है, अगर ज्यादा लोगों में शोर डाल दिया और रिश्ता पक्का ना हुआ तो खामखा लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। और वैसे आए, मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे किसी की काला टिक्का लगा दूं। मम्मी अब तो बता दो किसका रिश्ता आ रहा है मेरे लिए, कौन देखने आ रहा है मुझे। अरे बेटा थोड़ी देर रुक जा, तुझे ही देखने आ रहा है, तू ना उतनी देर घूंघट निकाल ले। हेलो बिचीज, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि मैं आज गेट रेडी विद मी करने वाली हूँ फॉर रिश्ता। आइए तैयार होते। हाय हाय, अजय तक तैयार ही नहीं हुई, अब तो हम तेरी पसंद का लड़का देख रहे हैं, अब तो थोड़ा ढंग से तैयार हो जा। मम्मी यार, मैं कौन से राहुल से पहली बार मिल रही हूँ, और तुसी के गंदा सूट पाया, थोड़ा सिंपल सूट डालो। राहुल ही तो आ रहा है, कौन सा बड़ी बात हो गई, चुरन जाता है गाओ। जल्दी फोन करके पूछ कहाँ रह गए वो, अभी तक आए नहीं। हेलो ब्रो, कहाँ रह गया तू? है ब्रो? ओ नहीं यार, मैं नहीं, मम्मी पूछ रही है, लेट हो गया ना। जिससे रिश्ता होने वाला तुझसे भाई बुलाती है? ठीक है। हाय राम, मैं रिश्ता नहीं हो सकता, उनको मना कर दे, चल मना कर दे, ऐसे नहीं होगा। मम्मी यार, ये निब्बा निब्बी की तरह ना बातें नहीं होती मेरे से। एक तो आजकल दे बच्चे रिश्ते को रिश्ता समझते ही नहीं है, कोई ब्रो बुला रहा, कोई डार्लिंग बुला रहा, कोई बेब बुला रहा, रिश्ता होता नहीं है ऐसा। ब्रो कह के गल कर दे आपा, ब्रो ना स्लैंग वर्ड होता है मम्मी, आप नहीं समझोगे। चल जा, मेरे साथ टाइम पास मत कर, जल्दी तैयार हो जा, लेट हो रहे हैं, अभी आने वाले होंगे, रास्ते में ही है वो, है ना, तैयार हो जा। नमस्कार भाई साहब। अरे जीते रहो बेटा। नमस्कार बहन जी। गुड़िया बेटा चाय लिया? भाई साहब घर बड़ा प्यारा है। अरे शुक्रिया भाई साहब जी। आपकी बेटी ने घूंघट क्यों किया हुआ है? वो क्या है ना जी, हमारे ना यहाँ रिवाज है, रिश्ता पक्का होने से पहले ना लड़की अपना मुंह नहीं दिखा सकती। वाह जी वाह, आपके तो बड़े उच्च विचार हैं जी, आपने अपनी बेटी को तो बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं, हमें तो ऐसा ही परिवार चाहिए था जिनकी बेटी इतनी संस्कारी हो। धन्यवाद माता रानी। मम्मी जी आप तारीफ पे तारीफ तो करे जा रहे हो, एक बार देख तो लूं कि अंदर से काली है गोरी, अच्छी दिखती है कि नहीं दिखती? अरे बेटा देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा घूंघट के अंदर से? पर भाई साहब उसकी क्या गारंटी कि वही लड़की है जो दिखाई थी? अरे भाई साहब क्या बात कर दी आपने, लीजिए खुद देख लीजिए। अरे भाई साहब लड़की तो असल में बहुत प्यारी है। वैसे जी आपने हमसे कुछ पूछना, पूछ सकती हैं आप? जी बेटी गूंगी है अपनी? अरे नहीं भाई साहब, थोड़ी शर्मीली है। अच्छा अच्छा बेटे बोलो बोलो। नहीं पापा, इनकी तो आवाज भी कोयल जैसी है। अरे कुछ खाने के लिए नहीं आया आप लोगों के लिए, कमाल है। बेटे शीतल जरा इनके लिए कोल्ड कॉफी ले आओ। और बेटा करते क्या हो, सरकारी नौकरी है आपकी? नहीं अंकल, जिम में ट्रेनर हूँ। अच्छा अच्छा बेटे, अकेला मिनरल वाटर ही ले आना। और विशाली जी आपके हस्बैंड नहीं आए लगता है? जी आ रहे हैं, रास्ते में ही होंगे। अच्छा <अरे। laughs> लड़की के बारे में पूछना, बहन जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं पूछ ही रहा था। और बेटा करते क्या हो तुम? मैं है अंकल जिम में ट्रेनर हूँ, ये देखिए वेट्स, एब्स भी हैं, एब्स भी हैं। बेटा आज आपको मैं एक बड़ी जरूरी बात बताऊंगा, गुस्सा मत करना मेरी बात का, पर इन चीजों से ना घर नहीं चलते, घर चलता है सिर्फ। अरे बेटा घर तो चलता ही नहीं, खड़ा रहता है। आओ बेटे, आओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। सॉरी जी, इन्हें मजाक करने की बहुत। आजा बेटे शीतल, शीतल रख दे यहाँ पे। ये लीजिए विशाली जी, प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। अरे बेटियों को भी पूछ लो, बहन जी के पीछे पड़ गए। हेलो बेटे उठाओ, बुढ़ा आदमी आपको दिख रहा है काम कर रहा है, खुद कर लो।
प्लेजर इज ऑल माइन। बेटा अरे वो गुड़िया ना आ रही, अरे गुड़िया आ रही होगी, मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती है। बेटे गुड़िया अब आ जा। हाय आंटी, हाय राहुल, हाय मन्नत। इसने तो बहुत छोटे कपड़े पहने आज। देख रहा है? हाँ देख ही रहा हूँ मम्मी, क्या फिगर है, कितनी फिट लग रही है। अरे निकम्मे उलाद, इसकी फिगर नहीं इसके कपड़े देख। अरे मम्मी ठीक तो लग रही है, यही चलता है आजकल, मॉडर्न जमाना है मम्मी। अरे कपड़े थोड़े छोटे नहीं है। बेटा आपके कपड़े थोड़े छोटे नहीं है। आंटी जी डोंट जज मी फ्रॉम माय क्लोथ्स, आई एम अ गुड पर्सनालिटी वुमन। और मम्मी मुझे तो पसंद है लड़की। निकम्मी औलाद, अपनी माँ का अप्रूवल नहीं लेना। अरे मम्मी यार क्या अप्रूवल लेनी है, जब लड़की राजी है लड़का राजी है। अंकल आप डन करो, हमारी तरफ से रिश्ता डन। मुझे मेरी तरफ से भी डन है। चलो भी चल लीजिए, चलो बैठो। सोच ले बेटा। अरे सोचना क्या है मम्मी, डन हो गया, मुंह मीठा करे। चलो मुंह मीठा करो। अरे आंटी मुंह मीठा करो जी, मुंह मीठा करो। मैं कहा बाबा। बहन जी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बेटी गाय है, गाय। सिंगे मार की बढ़ाएगी आपको। जलेबी लीजिए। अरे बहन जी जलेबी लीजिए। गैस बंद कर दीजिए। हाँ जी। सारा खाना मेरी बेटी ने बनाया है, बड़ा अच्छा खाना बनाती है जी। बहुत स्वाद है। अरे लीजिए भाई साहब, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। लीजिए लीजिए समोसा लीजिए। अरे खाना हो। अरे लीजिए भाई, अरे शर्माइए मत भाई साहब। आप लीजिए। आपने ले लिया। मैं बताऊं आपको, मैंने तो आपकी बेटे की जब फोटो देखी मुझे तो पहली नजर में पसंद आ गया। जी आपकी लड़की की फोटो मैंने देखी, मुझे पहली नजर में पसंद आ गया। दोनों ही एक दूसरे को पसंद आ गए। बिल्कुल। तो मैंने तो जी आपके बेटे को कुछ नहीं पूछना, हमें तो लड़का पसंद है। भाई साहब खाना सारा ही बहुत स्वाद बनाया जी। हमारी बेटी खाना अच्छा ही बनाती है। बहुत अच्छा बनाती है जी हमारी बेटी खाना। जी फिर तो मेरे बेटे को मोटा ही कर देगी। देखना भाई साहब मेरी मिसेस को ना कर दे, पहले ही बहुत है। अरे मजाक कर रहा हूँ। देखिए जी मुझे तो रिश्ता बहुत पसंद है। बेटी अगर आपने इनको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछ रहे बेटी, पूछ लो। नहीं बेटा अगर आपने कुछ पूछना है तो। हाँ मम्मी पूछना है कुछ? नहीं मतलब हम ये रिश्ता पक्का समझे। बिल्कुल भाई साहब, पर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। पापा क्या बोल रहे हो? ओ अरे बस बेटे। अरे आंटी जी मैं तो आपके लड़के के बारे में सारा कुछ जानती हूँ, आपने जो पूछना मुझसे पूछो, आपसे ज्यादा तो मैं बात करती हूँ इससे। ये छोड़ो आप मुझे ये बताओ कि आप क्या खाओगे, क्या ऑर्डर करूँ आपके लिए? नहीं बेटा मैं बाहर का एक्चुअली कुछ नहीं खाती हूँ। अच्छा सब छोड़ो, आप ये बताओ आपको क्या बनाना आता है? आंटी जी मैं तो लोगों को पागल बना लेती हूँ, रील्स बना लेती हूँ, वीडियोस वायरल करवा लेती हूँ। आंटी जी अगर मैं आपके घर की बहू बन गई ना तो सारे इन्फ्लुएंसर बहुओं को पीछे छोड़ दूंगी, सच्ची कह रही हूँ बाय गॉड। बेटी इतना नहीं बोलते। वैसे बेटे आपकी हॉबीज क्या है? आंटी मुझे कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तूने भीख मांगना कब से शुरू कर दिया? बाकी सब तो ठीक है जी, लेकिन आपके बेटे की हाइट थोड़ी छोटी नहीं है, 4-5 इंच थोड़ी और लंबी होती तो इनके जोड़े जमती। नखरे बहुत करती है ना ये जनानी। ना जी ना, जची नहीं जी ये जोड़ी, मुझे तो नहीं पसंद जी। मैं क्या विशाली जी, अगर इनकी बात नहीं बनी तो अपनी बना लेते हैं। आंटी जी एक बात बोलू, बुरा मत मानना, मैं आपके लड़के के पास नहीं आई थी, ये मेरे पास आया था। ऊपर से बुत्था देखो है दा, चूरन वर्ग की शक्ल है दी, इस पे तो मैं एहसान करू शादी करके। राजकुमार राव ने तो एक बार चिन्ह में फिलिंग करवा के ठीक करवा ली, एदे बुत्थे ने कित्थे कित्थे फिलिंग करवाओगे, कदे ठीक नहीं होना। प्लास्टिक सर्जरी भी एक बार के लिए शर्मा जाती होगी कि किसके बुत्थे पे होने जा रही हूँ। 10 किलो प्लास्टिक भी यूज हो जाएगा ना ता मेरा बुत्था ठीक नहीं होना, मुझे ही पता मैं कैसे झेल रही हूँ, समझ रहे हो?
इसका रेडियो बंद करा, नहीं तो इधर बंद हो जाएगा। बेटे नहीं बोल देना जी, सॉरी जी सॉरी, लगता है मेरी लड़की का दिमाग हल्का सा सटक गया है। जी अपनी माँ पे गई है। ये लड़की पसंद की है तूने, अभी से इसकी इतनी जुबान चल रही है, बाद में तो ये बेच ही खाएगी हमें। चल। अरे मम्मी अभी नया नया है ना, मुझे आदत हो गई है, धीरे धीरे आपको भी हो जाएगी। जी थोड़ी जी फेमिनिज्म है ना, इस्ट वो क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट है ये। केमिस्ट? फेमिनिस्ट। अच्छा अच्छा। मम्मी इधर पानी पी लूं। और जी लड़का अपना बहुत संस्कारी है जी, बिना माँ से पूछे कुछ भी नहीं करता। अच्छा तो वैसे आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं बहुत अच्छा सफर था। अजी हुई है जी। हाँ बस में बहुत धक्के लगे हैं, कुछ पापा जी की डिस्क भी खराब है ना। डिस्क ब्रेक खराब है जी। पर ले लेगा लड़का एक दिन, गाड़ी ले लेगा, बहुत कामयाब होगा देखना। हाँ जी शादी के बाद तो आई जानी है। हाँ हाँ आ जाएगी, हम अपनी धनराशि जो आपको दे रहे हैं, हमारी लड़की। समझ नहीं रहे आप मेरी बात। समझाओ पापा ही बाद में। मैंने पानी भी काफी पी लिया था, वॉशरूम जाऊं? नहीं बेटा बेइज्जती हो जाएगी, बेटर है। अरे कहीं जाने के लिए तो हाँ बोल दो, बीच में ना कर दे लड़का। जाओ जाओ बेटे, जाओ जाओ। देखो माता पिता से पूछ कर जा रहा है बाथरूम भी। तो जी कई कई बार तो हम मना कर देते हैं तो बीच में ही कर देता है। खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर विशाली जी दुखायो ना। लो बेटा। अरे हड्डी सुखी सुखी, वोडका वोडका लेके आओ, मिक्स मिक्स करके पिएंगे नाम से। मेरा मतलब बर्फ वगैरह डाल देते, गर्म पड़ी थी। बेटे को शादी पे देखेंगे। ओ, मैं क्या कह रहा था जी, अब बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो मैं अपने पंडित जी से बात कर लेता हूँ, फिर ओके की डेट फिक्स कर लेते हैं। बेटा मंजूर है ना आपको? अरे अंकल मेरी तरफ से तो डन ही है। अरे एक बार अपनी मम्मी से तो पता कर लो बेटे। अरे अंकल जिंदगी मैंने बतानी है कि मम्मी ने बतानी है, आप डन करो अंकल, पंडित जी को कॉल करो, आप कॉल करो। आपका बेटा बड़ा अच्छा है जी। पता नहीं तुम्हारे पापा कब आएंगे। लो आ गए पापा। पापा क्या पता चल लड़के वालों के बारे में? बेटा तुम कमरे में जाओ। क्या पता चलो उनके बारे में, हमारी बेटी को खुश तो रखेंगे ना। अरे मुझे बोलने दोगी तब बताऊंगा ना। उनके आस पड़ोस से रिश्तेदारों से मैंने हर जगह से पूछ लिया, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। बहुत ही सुलझा हुआ परिवार है, बहुत संस्कारी परिवार है, हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी वहाँ। शुक्र है भगवान का। आप उतनी देर हाथ मुंह धो के आइए, मैं मंदिर में माथा टेक के आती हूँ। हाँ हाँ जी कमलजीत जी आपके पास भी आता हूँ। वैसे तो जी हमारा बेटा बहुत शरीफ है, आज तक एक भी शिकायत नहीं आई है इसकी, ना ये दारू पीता ना बियर पीता और ना ही कोई ऐब है जी इसमें। हाँ जी ऐब नहीं है। और जी हमारी लड़की को जॉन अब्राहम बहुत पसंद है जी, ऐब वाला लड़का ही चाहिए। चलो बेटे ऐब वाला लड़का दो। ऐब नहीं है, ऐब्स हैं। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। वैसे जी आप की बेटी का कैरेक्टर तो ठीक है ना जी? नहीं जी पूरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर वन पीस है जी पूरे शहर में। हेलो आंटी जी, पहले तो आप ये पानी पीजिए और अपने सारी गलत फहमियों को धो लीजिए। वो क्या है ना, आपके बेटे में ऐब ही ऐब है। क्लब में ना उल्टियां मारता है, मेनू पता मैं किवें सांभदी है इनू, अगर इन्नी पित्ती नहीं जांदी क्यों पींदा है। अच्छा मैं बताऊं तेरे बारे में, अंकल जब मैं उल्टियां मार रहा होता हूँ ये कहां होती है, अवारा लड़कों के साथ नाच रही होती है, और वो भी लिटल लिटल। बेटे तुझे खुली छूट क्या दी, तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया। पापा मैं तो एक बूंद बोल। नहीं बेटे ये उम्मीद नहीं थी तेरे से, ये उम्मीद नहीं थी। बेटे मैं की सुन रही है। अरे ऐसे तो अंकल मैं भी लिटल लिटल ही पीता हूँ, और स्पेशल ओकेजंस पे, वैसे नहीं पीता मैं। अरे अंकल वैसे भी मैं बहुत शरीफ हूँ। शरीफ तू? पापा इसने ना मुझे डेट करने से पहले ना पूरे गर्ल्स हॉस्टल को डेट कर रखा है। अरे मम्मी पुरानी बातें हैं आंटी जी, पुरानी बात हो गई, बचपन की बातें कर रही है ये।
अभी तो मिट्टी डालो, अभी रिश्ता फाइनल हो तो गया यार, मुंह मीठा करिए। अरे बेटे, अरे मुंह मीठा करिए। अरे अरे अंकल, अरे मुंह मीठा कर। बधाई हो अंकल, जमाई जी को बधाई हो, बधाई हो। चलो, अरे मम्मी जी आप भी मिठाई खाइए। अरे मिठाई खा मिठाई। अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे खाइए खाइए खाइए। सो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और सुंदर लड़कियां हम लड़कों को टेक्स्ट कर सकती हैं। बेटा ये खा पी के आ गए हमारी हां बेटा समोसा खाने से पहले खा लेंगे। आप भी खाओ, आप भी एंजॉय करो। तो सबको बहुत सारी बधाई हमारी रिश्ते। अपनी आईडी से बिहाइंड द सीन दिखाई मड़ जा। अपनी आईडी से नीचे मैं अपना नंबर डालूंगा। वो देखो माता जी सो रही हैं। चल रहा था और यहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दूंगा।